हाँ तो बच्चों, अभी 27 लोग आए हैं, तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए फिर तो। यस तो स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिक का, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक हमने कैसे पढ़ा? फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा, पहले फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? देखो, चार्ज क्या था? ऑफ करंट चार्ज जब आपका रेस्ट पर होता है, किस पर होता है? रेस्ट पर। तो हमने चार्ज इन रेस्ट पे हमने पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाता था कि नहीं? यस सर। यस सर। सेकंड चैप्टर कौन सा पढ़ा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल बोल दो उसको। सेकेंड चैप्टर पढ़ा था हमने क्या? कैपेसिटर। अब जब आपका चार्ज मोशन में आता है, तो हमने पढ़ा था करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस सर। तो हमने मोशन के, हमने देखा कि चार्ज के मोशन की वजह से क्या होता है, हमने देखा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, हमने कि चार्ज के फ्लो को हम करंट बोलते हैं, और उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमने पढ़ी। अब हम देखेंगे कि जब आपका चार्ज मोशन में है, जब किसी वायर से किसी उससे कुछ चार्ज फ्लो हो रहा है, तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं, उसके हम मैग्नेटिक इफेक्ट देखेंगे। पहले हमने क्या देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में? उसके इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देखे थे। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक था, हमने उस इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या था, चार्ज आपका रेस्ट पे था, क्या करते थे? नवीन सर ने बताया होगा आपको, चार्ज आपका यहाँ पे क्यू चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे क्यू चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, ये सारी चीजें जो भी देखते थे उस टाइम पे, हमारा चार्ज रेस्ट पे होता था। जब मोशन में आया, जब आपका चार्ज मोशन में आया, तो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। अब हम इस चार्ज जब मोशन में है, तो हम देखने वाले हैं उसके मैग्नेटिक इफेक्ट। अब मैग्नेटिक का मतलब, मैग्नेट आप जानते हो मैग्नेट? उसमें एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। मैग्नेट के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, मैग्नेटिज्म एंड मैटर जो आएगा उस चैप्टर में। ये आपका बेसिक था कि आपका अभी तक चल क्या रहा है, पॉइंट ऑफ ओवरव्यू दिया था हमारा, सिलेबस क्या चल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और बायो सेवर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इज बायो सेवर्ट। तो हम देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? एन इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक इफेक्ट इन स्पेस अराउंड अ कंडक्टर। जैसे कि अगर कोई वायर है, मान लो कोई वायर है, उससे कोई करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये वायर करंट फ्लो होने की वजह से अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब भाई इसका पता कैसे चला, कैसे पता चला हमने हमें कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होती है, पता कैसे चला? हमारे घर में भी तो वायरिंग है, आपके घर में भी तो वायर है? Yes, sir. नहीं? Yes. क्या उन सबके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड है? बिल्कुल है, सबके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमें पता कैसे चला, इनिशियली पता कैसे चला? तो हम उससे पहले एक आया था, हमें पता किस चला था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट्स। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि किसी वायर में आपका अगर कोई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कैसे पता चला। मान लो एक बैटरी ली हमने, ये कोई बैटरी ली और इससे हमने करंट फ्लो कराया। देखो, पॉजिटिव टर्मिनल इस साइड में है और नेगेटिव इस साइड में, तो करंट आपका इधर ही से आएगा। तो आई करंट आपका ऐसे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, मान लो इसको, मान ये आपकी क्या है, मैग्नेटिक नीडल। तो ये मैग्नेटिक नीडल क्या करती है, सिंपली बताएं कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो डिफ्लेक्ट होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। हमने इस मैग्नेटिक नीडल को जस्ट वायर के पास में रख दिया, वायर के जस्ट पास में रख दिया। अगर इसमें, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड होगा,
तो ये डिफ्लेक्ट होगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो डिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो हमने क्या किया, पहले इस वायर में करंट पास करवाया। जैसे ही हमने करंट पास करवाया तो हमने देखा कि जैसे हमने करंट फ्लो हुआ है तो हमारी जो मैग्नेटिक नीडल है उसका क्या हुआ है, डिफ्लेक्शन हुआ है। देखा आपने, एन आपकी साइड में होगी, एन आपकी साइड में होगी, एन नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये है आपका साउथ पोल। तो आपने देखा नॉर्थ पोल कुछ लेफ्ट साइड में झुक गया, नॉर्थ पोल आपका कुछ लेफ्ट साइड में झुक गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जब मैंने इसमें करंट का फ्लो कराया, जब मैंने इसमें करंट का फ्लो कराया तो नीडल में कुछ फ्लक्चुएशन हुआ, फ्लक्चुएशन हुआ, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके इस वायर के अराउंड है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? अब क्या होगा, अगर मुझे पता चल गया, अब मैंने सोचा कि यार अगर ये इस साइड में झुकी है तो हो सकता है कि इस साइड में भी झुक सके। तो मैंने क्या किया, बैटरी की पोलैरिटी चेंज की। जैसे माइनस इसमें ऊपर है, देखो इस यहाँ पे माइनस है, तो मैंने किया कि इस माइनस को नीचे किया, प्लस को ऊपर किया। जैसे ही मैंने बैटरी की पोलैरिटी चेंज की, अब मैंने क्या किया, प्लस को ऊपर कर दिया, माइनस को नीचे कर दिया, पोलैरिटी चेंज की। तो अब करंट ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा, यस सर, ऐसे फ्लो होगा करंट। अब जैसे ही करंट आया, तो अभी मैंने वो नीडल रखी इस पे, अब जैसे ही करंट जब फ्लो होना स्टार्ट किया तो आपकी जो नीडल थी राइट साइड में शिफ्ट हो गई। इसका मतलब मुझे इससे पता चला कि, अच्छा एक बात हो, करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। देखो ये इकलौती ऐसी क्वांटिटी होती है जिसपे डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन स्केलर होती है फिर भी। तो हमें पता चला कि करंट, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी कुछ होती है। पहले हमें नहीं पता था डायरेक्शन होती। जब हमें कैसे पता चला कि जब हमने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर रखा, नेगेटिव नीचे रखा, तो हमारा जो नीडल में रिफ्लेक्शन था लेफ्ट साइड में हुआ, और बैटरी को जब उल्टा कर दिया तो हमारा नीडल का रिफ्लेक्शन राइट साइड में हो गया। इसका मतलब ऑर्स्टेड ने बोला कि भाई कुछ तो है इस वायर के अलोंग, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी होती है, क्योंकि जैसे ही मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज की, आपके मैग्नेटिक फील्ड में जो नीडल, मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन आने वाला था वो भी चेंज हुआ। यस सर, हुआ है ना। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आ गया कि भाई अगर किसी वायर से करंट का फ्लो हो रहा है अगर, तो उस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ? क्लियर है सबको एक्सपेरिमेंट? अब हम आते हैं उसके बाद आए हम बायो सेवर्ट रूल। भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? अब पूछा, आपने बोल दिया किसी से, आपने बोल दिया पापा किसी, ये वायर है ना घर में, और इस वायर के अराउंड ना मैग्नेटिक फील्ड है। तो पापा बोले मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है भाई? पहले तो मान लो आपके पापा थोड़े से पढ़े हैं तो उनको समझ जाएंगे, बेटा मेरा पढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया। तो पापा ने पूछा बेटा मैग्नेटिक फील्ड होता कितना है, पहले मुझे ये तो बताओ। अच्छा मैं रिकॉर्डिंग तो ऑन कर ली थी ना। तो उसने पूछा, पापा ने पूछा बेटा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताओ मुझे, कितना होता है, मैग्नीट्यूड बताओ। अब सोचे कि यार कैसे बताए मैग्नीट्यूड। तो हमने देखा बायो सेवर्ट चचा आए, फिर ये बायो सेवर्ट चचा आए, उन्होंने बताया कि भाई अगर मान लो कोई वायर, ये कोई वायर टेढ़ा मेढ़ा वायर जा रहा है, वायर तो कैसे भी हो सकता है ना, जरूर थोड़ी ना सर्किट में हम सीधा वायर बनाते हैं, सीधा क्यों होंगे, टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी हो सकता है। तो जैसे ही हम वायर देखा, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा, बेटा टाइम से आया करो, और जब क्लास बीच में चल रही होती है ना, उसने बताया था। हाँ ठीक है, समझ गया बेटा, याद आ गया मुझे। तो ये बायो सेवर्ट लो बता रहा हूँ अभी मैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आप बीच में कभी ज्वाइन किया करो ना बेटा कोई भी, तो आप क्या करो, गुड इवनिंग वगैरह ऐसे मत किया करो, क्योंकि बीच क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होता है। आपने देखा होगा कि अभी जो बच्ची आई थी उन्होंने मुझे गुड इवनिंग किया, तो मुझे मतलब क्लास में जो रिदम में जिस पेस से चल रहा था वो थोड़ा ब्रेक हो गया। ठीक है, तो चलो टॉपिक पे आते हैं अपन लोग। इस वायर में मान लो कोई करंट आई जा रहा है। अब मैंने, मुझे पता करना है कि इस वायर से कोई पी पॉइंट है, कुछ डिस्टेंस पे है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब वायर कितना लंबा है ये तो मुझे पता ही नहीं है, कितना लंबा है, वैसी वायर दे रखा है। तो मैंने माना कि इस लेंथ के अलोंग ये जो वायर है ना, ये जो करंट जाती है,
जो करंट जाती है उसी के डायरेक्शन के अलोंग हम लेंथ वेक्टर लेते हैं, डीएल लेंथ एक वेक्टर फॉर्म। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये लेंथ को हम वेक्टर फॉर्म बोलते हैं? जैसे जैसे मान लो कि ये लेंथ है और एलिमेंट कंसीडर करेंगे सर, एलिमेंट स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं जो कि जिसकी लेंथ होती है डीएल, और डीएल वेक्टर फॉर्म में करते हैं, जो करंट की डायरेक्शन होती है डीएल वेक्टर हम उसी डायरेक्शन में लेते हैं। ये जो आपकी लेंथ है मान लो डीएल, अब हमने अगर इस डीएल लेंथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया पी पॉइंट पर, तो हम कुछ हो सकता है कि किसी वायर की लेंथ दी हुई है उसके लिए भी निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि मान लो इस वायर की लेंथ जो पी पॉइंट था उसका पोजीशन वेक्टर था आपका कितना पी आर, अब हमने देखा कि जो पोजीशन वेक्टर था वो हमारे डीएल वेक्टर से थीटा एंगल बना, थीटा एंगल बना रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं उस साइड पर पॉइंट ले रहा हूँ, मैंने एक और पॉइंट ले लिया पी डैश और वो इस साइड पर ले लिया। अभी जो जो मैंने डॉट और क्रॉस दिखाई है ना, ये मैं आपको दोबारा लौट के आऊंगा इसी पे, आपको डायरेक्शन बताऊंगा उस टाइम पे समझ में आएगा, ये डॉट और क्रॉस का मतलब समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद में मैंने पता, हम पता करेंगे, बायो सेवर चचा ने वो दिया स्टेटमेंट दिया कि भाई अगर आपका कोई पॉइंट किसी वायर से आर वेक्टर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट, और आपको किसी एक एलिमेंटल एरिया के कारण, किसी एक एलिमेंट स्मॉल एरिया है याद रखिएगा, डीएल इज वेरी डीएल क्या है आपका स्मॉल एरिया एलिमेंटल लेंथ यानी लेंथ, एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ है उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके लिए एक्सप्रेशन दिया कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, एल आई, आई मतलब करंट, ये डी एल है, डी एल है, डी एल साइन थीटा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि इस ये जो डी एल है और साइन थीटा, इस थीटा का साइन कंपोनेंट और आपका इस जो करंट फ्लो रहा है, इन तीनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो इस वायर से, इस वायर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है आर उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बायो सेवर्ट चचा ने एक्सपेरिमेंट करके ये स्टेटमेंट दिया। तो क्या जो बायो सेवर्ट चचा दिए थे वो यही चारों चीजें दिए थे, आई डायरेक्टली डी भी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम एक स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाल रहे हैं ना, एक स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटा सा ही आएगा। यस सर, डी भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, डी भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल है, डी भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा है, और डी भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो अगर मैं सबको एक साथ लिखना चाहूँ तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊं तो क्या कोई कॉन्स्टेंट आएगा? प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह पे आ गया म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब देखो इसमें होता क्या है, म्यू नॉट क्या आ गया भाई, म्यू नॉट क्या है यहाँ, म्यू नॉट है आपका परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या है परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। अब देखो फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर स्क्वायर एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो कि म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू आपकी डायरेक्टली क्या होती है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ये भी तो बोल सकते हो। देखो 4π इसके नीचे है ना, तो यहाँ पे 4π मल्टीप्लाई है, तो आप और ये क्या होती है भाई एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है टेस्ला, टेस्ला होती है बेटा, तसला नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा, तसला नहीं होती, टेस्ला, टेस्ला होगी, या फिर आप बोल सकते हैं न्यूटन एम्पियर पर मीटर होगी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होगी, या फिर वेवर पर मीटर उसका है, इसको बोलते हैं वेवर पर मीटर, ये तीनों यूनिट हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें इतना याद रखना है, हमें बायो सेवर्ट लॉ किसके कारण मैग्नेटिक फील्ड देता है, एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ के कारण, किसी वायर, कोई बहुत लंबा वायर है उसकी एक स्मॉल एलिमेंटल लेंथ लू छोटी सी,
उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी एक आर डिस्टेंस के पॉइंट। उसका फॉर्मूला समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब हम निकालने वाले हैं कि बायो सेवर्ट लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाए। अच्छा एक बात बताओ, कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते थे बताओ जरा। 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट ये यूनिट वेक्टर होता था बेटा, याद करो वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म याद करो, वेक्टर फॉर्म ये होती थी। सिमिलरली इसमें क्या किया था हमने, आर का ऊपर मल्टीप्लाई किया था तो नीचे आर क्यूब कर दिए। सिमिलरली हम इसमें भी करेंगे, सेम टू सेम हम इसमें भी करेंगे। देखो ये हमने क्या किया, यहाँ पर आर क्यूब होगा, पावर होगी। तो हम ये क्या करेंगे, हमारा सिमिलरली हमारा वेक्टर फॉर्म आ गया मैग्नेटिक फील्ड का ये। अब देखो वेक्टर फॉर्म हमें पता चल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 pi आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर। अब हम देखने वाले हैं म्यू नॉट के बारे में तुमने बताई दिया, अब हम देखेंगे देखो क्रॉस वेक्टर है, आपको ये याद रखना है क्रॉस वेक्टर। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चलने वाला है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ए क्रॉस बी अगर मैं निकाल लूं, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है मुझे ये बताओ पहले। ए बी साइन थीटा। देखो मुझे आप में से कुछ बच्चों का ए बी कॉस थीटा भी सुना देता। देखो जब क्रॉस का वैल्यू आए ना ए क्रॉस बी, अच्छा मुझे इसको लिखेंगे कैसे, ए जब बीच में क्या आ रहा है क्रॉस आ रहा है ना, तो आप हिंदी में लिखो क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या होता है, यही होता है ना कट्टा। क्रॉस बोलता है कि सी नहीं आएगा, याद रखने के लिए ट्रिक है, सी नहीं आएगा, सी मतलब कॉस, यानी कि ए क्रॉस बी में सी नहीं आएगा। सी नहीं आएगा मतलब क्या आएगा, साइन आएगा। इसका मतलब अब देखो आपको याद रखने में बड़ी आसानी होगी, ए डॉट बी डॉट है मतलब सी तो आना चाहिए, सी आना चाहिए तो ए बी क्रॉस थीटा हो गया। ए क्रॉस बी है क्रॉस में सी, सी खुद क्रॉस लगा रहा है, क्रॉस मतलब नहीं आना चाहिए, सी नहीं आना चाहिए मतलब ए क्रॉस बी का वैल्यू होगी ए बी साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये जो ए बी वेक्टर जो था, ए क्रॉस बी जो वेक्टर था, क्या वो ए वेक्टर के और आपका बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर था? क्या ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है भाई, ए क्रॉस बी की कोई डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी ये बताओ। आपको वेक्टर चैप्टर फर्स्ट 11th क्लास में वेक्टर चैप्टर में क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से बताई थी। मान लो ये आपका कोई ए वेक्टर है और ये आपका कोई बी वेक्टर है, मान लो ये आपका ए वेक्टर है ये आपका बी वेक्टर है, तो आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे मिलेगी, ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को रखो, ए वेक्टर की तरफ उंगलियों को रखो और बी की तरफ घुमाओ, देखो इधर ही है ना बी, इधर है कि नहीं बी, तो ये जो मेरा अंगूठा है, ये जो अंगूठा है मेरा वो बताएगा आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन। ये मेरा अंगूठा ऊपर की तरफ दिख रहा है ना, तो यहां से मैं जब शो कराऊंगा ना ऊपर की तरफ दिख रहा है तो इस पॉइंट से बाहर निकलता हुआ होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो ए क्रॉस बी होगा ना वो ऐसे पॉइंट होगा। तो आप देखोगे जो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है वो ए के भी परपेंडिकुलर होगी और बी के भी परपेंडिकुलर होगी कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप देखोगे हमारा ये क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डीएल क्रॉस आर वेक्टर है, तो क्या मेरा जो बी की जो डायरेक्शन होगी, जो मेरी बी की डायरेक्शन होगी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, क्या वो परपेंडिकुलर टू डीएल वेक्टर एंड इसको हटा देता हूँ, ये तो मैं समझाने के लिए बताया था ना आपको, डी एल वेक्टर एंड आर वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, होगी ना, क्योंकि देखो बी डी बी की डायरेक्शन किस पर डिपेंड करेगी, इन दो वेक्टर्स पर, वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगी ना, तो इन दोनों की जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। अब मुझे एक बार बताओ कि जब क्रॉस को जो डॉट को जो हम शो करते हैं ना डॉट को, ये मतलब होता है आपकी स्क्रीन से बाहर आता है, मतलब तीर है कोई, मान लो रामायण देखा है सबने, रामायण रामायण देखा है, जब जब भगवान राम तीर छोड़े हैं, जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हो ठीक है, जैसे आपकी तरफ ये तीर आ रहा है,
पीछे से ऐसा होता है, तो आपको क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, जब ये आपकी तरफ आ रहा है पॉइंट दिखेगा ना। तो अगर गोले में एक पॉइंट दिख रहा है मतलब तीर आपकी तरफ आ रहा है। आपकी तरफ कब आ सकता है कोई चीज, पेज से आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ आएगी तब आपकी तरफ आएगा कि अंदर की तरफ जाएगी तब आपकी तरफ आएगा, जब बाहर की तरफ बाहर आएगी। इसका मतलब पेज से आउटवर्ड हो, आउटवर्ड के लिए, आउटवर्ड हो पेज से स्क्रीन से तो आपको दिखाओगे पॉइंट की, पॉइंट से। और अगर आप मान लो पीछे हो, इसके पीछे हो अगर यहाँ से देख रहे हो तो ये आपसे दूर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये तो जब ये आपसे दूर जा रहा हो तो आपको क्या दिख रहा है पीछे, क्रॉस टाइप का दिखने वाला है, एक क्रॉस की एक साइड दिख रही है ना क्रॉस की, तो आप देखोगे जब आपका क्रॉस हो, जब आपका क्रॉस दिख रहा हो तो आप क्या बताओगे ये क्या है, आपसे दूर जा रहा है। अच्छा दूर कब जा सकता है आपसे, स्क्रीन के अंदर या पेज के अंदर कोई एरो जा रहा होगा तभी आपको दिखेगा क्रॉस, यानी कि क्रॉस है तो आपसे बोलोगे, देखो ये आउटवर्ड नहीं होगा, आपकी आपकी तरफ आते हुआ होगा ना, आउटवर्ड फ्रॉम द पेज, फ्रॉम पेज ये होगा इनवर्ड टू द पेज, यानी कि अगर कहीं पे क्रॉस लगा दिख जाए आपको इसका मतलब है कि वो वहां से जो डायरेक्शन है ना आपकी तरफ आ रही है, वो सॉरी आपसे दूर जा रही है, आपसे दूर जा रही है, पेज के अंदर जा रही है। जब आप वहां पे डायरेक्शन निकालोगे तो अंगूठे को पेज के अंदर की तरफ लोगे, ये पेज के अंदर है, और ये जब मैं अंगूठा ऐसे लूंगा अपनी तरफ लूंगा, ये अंगूठा मैं ऐसे घुमा दूं तो ये अंगूठा मेरी तरफ है, कब होगा तब ये पॉइंट होगा। राइट एंड थंब रूल बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, आपको पूरा क्लियर, ये वही है कि करंट की जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका मैग्नीट्यूड डीवी जो होगा एल डीएल वेक्टर को आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। क्लियर है इतना? यस सर। बायो सेवर्ट लॉ क्लियर है? यस सर। यस सर। वेक्टर फॉर्म क्लियर है? अब हम देखते हैं, किसी का माइक ऑन हो गया था अभी, अब हम देखते हैं रूल्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक। अच्छा हमने पहले देखा था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में, हमने देखा था कि हमें ये तो पता चल गया था कि किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, वायर में मेरे में करंट फ्लो हो रही है, तो हमारा जो निडल था वो लेफ्ट में हो रहा था एक बार, और जब मैंने पोलैरिटी चेंज की थी तो राइट में हो रहा था कि नहीं हो रहा था। yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो भाई वो डायरेक्शन कैसे निकालूं, डायरेक्शन निकालने के लिए कुछ कंसेप्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes, sir. तो अब हम पढ़ने वाले उस डायरेक्शन के लिए कंसेप्ट कि हम वो डायरेक्शन कैसे निकालने वाले, कैसे निकालेंगे देखो रे बाबा कैसे निकालेंगे। उसके बाद में आया एक रूल, आए मैक्सवेल चचा आए, उन्होंने स्क्रू रूल बताया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं स्क्रू रूल, स्क्रू ड्राइवर और स्क्रू तो सबके घर पे होंगे ना? यस सर। मान लो ये मैं स्क्रू ले रहा हूँ, मान लो ये स्क्रू, क्योंकि स्क्रू अगर मैं दिखाऊंगा आपको इतनी दूर से दिखेगा नहीं, कैमरे में साफ नहीं दिखेगा, तो मैं पेन को ले रहा हूँ एज ए स्क्रू, हेलू पेन को। Yes, sir. Yes, sir. तो देखो जैसे ही मान लो मैंने एक पेन पकड़ा अपने हाथ, अब इस हाथ में मेरे, मैं इसको मानना हूँ स्क्रू ड्राइवर, मेरा ये वाला हाथ है वो स्क्रू ड्राइवर का काम करेगा। देखो जब मैं अगर मैं दोनों डायरेक्शन एक साथ बताऊंगा आपको, अब मैं देखो फर्स्ट वाले डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन पहले हमें देखना है कि स्क्रू अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है। जो अंदर जाएगा स्क्रू, दीवार के अंदर ही लगाते हैं ना स्क्रू को ज्यादातर। अब यहाँ पे देखोगे जो मेरे स्क्रू के जाने की डायरेक्शन है, स्क्रू के आगे पीछे होने की डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन रखनी है मुझे करंट की डायरेक्शन। देखो किसी भी वायर में मुझे करंट की डायरेक्शन पता होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. आपके आपके जो आपके पास घर नियरेस्ट बिजली घर होगा, इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, वहां से बिजली आपके घर पे आ रही है ना, तो आपको डायरेक्शन पता है बिजली घर से करंट, इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर की तरफ फ्लो हो रही है, आपको पूरा डायरेक्शन पता है। अब आप देखो मान लो मुझे करंट की डायरेक्शन में इसको भगाना है, इसका मतलब ये ऐसा घुमाऊं मैं इसको, पेन को ऐसे घुमाऊं कि पेन ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि करंट ऊपर की डायरेक्शन में है कि नहीं? तो देखो मैं ऐसे घुमा, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ मैं इसको, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है पेन, ऊपर हाथ से मेरे के ऊपर को देखो, इस हाथ से ऊपर का हिस्सा देखो, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ऐसे घुमा रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, दोबारा से दिखाता हूँ मैं, अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ तो ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है?
अब ये जो ऊपर जा रहा है ये डायरेक्शन ऑफ करंट में होना चाहिए, तो हमने देख लिया कि ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन करंट भी ऊपर की तरफ है, तो ये जो जिस हाथ से मैं घुमा रहा था ना, जिस हाथ से मैं घुमा रहा था राइट हैंड, ऐसे ही तो घुमा रहा था इसको ऐसे, इस हाथ की जो घुमाने की डायरेक्शन है यही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एक बार और बताता हूँ, ये स्क्रू है, मैं इस पेन को कैसे घुमाऊं कि ये पेन करंट की डायरेक्शन मूव करने लगे जाए, करंट की डायरेक्शन मतलब ऊपर की डायरेक्शन मूव करने लगे जाए, तो मैं इस पेन को पहले मैंने ऐसे घुमाया, उल्टा घुमाने की कोशिश की, तो ये तो नीचे जा रहा है और मेरी करंट ऊपर है, तो भाई ऐसे तो नहीं होगा, तो फिर मैंने ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया तो मैंने देखा कि मेरे हाथ से ये वाला हिस्सा देखना ऊपर जाता दिखेगा आपको, मैं इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं तो ये ऊपर जाता दिख रहा है, पेन मेरा ऊपर की तरफ जाए जो कि करंट की डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो मेरा ये तो आपके करंट की डायरेक्शन, ये जो हाथ को घुमा रहा हूँ ऐसे करके आपको घुमा रहा हूँ, ऐसे ही तो घुमा रहा हूँ, ऐसे करके जो हाथ को घुमा रहा हूँ वो आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। सिमिलरली अगर मेरा पेन मान लो ऐसे रखा हुआ और करंट नीचे की तरफ, यानी कि मैं इसको ऐसे घुमाऊं, इस पेन को ऐसे घुमाऊं कि पेन नीचे की तरफ आए, पेन आपका नीचे की तरफ आए, क्योंकि करंट की डायरेक्शन दूसरे केस में देखो नीचे की तरफ है, तो क्या मैं ऐसे घुमा रहा हूं इसको तो नीचे आएगा, ऐसे उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो नीचे आएगा। यस सर। तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो हाथ मैं इस तरह से घुमा रहा हूं उसमें इस तरह से घुमा रहा था, उसमें इसमें इस तरह से घुमा रहा हूं, यानी कि ऐसे उसमें इस तरह से घुमाऊंगा, ऐसे करके घुमाऊंगा, तो आपको क्या लगेगा कि ये जो पेन है नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि करंट भी मेरा नीचे की तरफ है, जो मेरा ये जो हाथ घुमाने में यूज कर रहा हूं ये डायरेक्शन जो होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। थोड़ा सा समझ में आया? यस सर, क्लियर है। अगर आपको थोड़ा सा कम फील आया हो ना तो आप क्लास के बाद में मम्मी को बोलना, मम्मी मैं खाना तब खाऊंगा, पहले मेरे को स्क्रू ड्राइवर और एक स्क्रू दो। नहीं, मैं खाना बाद में ही खाऊंगा, पहले मुझे देखना है मैक्सवेल चचा क्या बता के गए थे, कहीं झूठ तो नहीं बोल गए थे, मुझे देखना है पहले। एक ज्यादा जिद करे तो खाना खा ले, नहीं मम्मी आप कुछ और खिला देंगे फिर, है कि नहीं? कि सर ने, सर आपने कल बोलो क्लास में सर आपकी वजह से मुझे पिटाई लग गई, ऐसा नहीं करना है। Yes, अब हम देखते हैं दूसरा रूल भी है भाई, हर जगह पेपर में हम स्क्रू ड्राइवर लेके नहीं घूम सकते ना भाई। Yes, पेपर, yes, पेपर में, अब ऐसा हुआ कि आप पेपर देने गए, पेपर वाले बोल लो एग्जाम में जो चेक करे ना बाहर कि चीटिंग तो नहीं ले जा रहे बच्चे, वैसे कॉलेज वॉलेज में तो नहीं होती, कंपटीशन एग्जाम देते तो जरूर होती है, तो वो थोड़ी ना ऐसा थोड़ी ना कि सर हम तो स्क्रू ड्राइवर लेके जाएंगे और स्क्रू भी लेके जाएंगे एक साथ में, क्यों ले जा रहे हो भाई? ये इससे है ना हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो मारेगा गिरा के बाहर, तो हमें कुछ ऐसा जुगाड़ देखना पड़ेगा ना जिससे कि हम हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सके। yes, तो ऐसी चीज तो एक ही है जो हमारा बॉडी का पार्ट हो सकता है, उसे तो हम कभी अलग नहीं कर सकते ना, हाथ तो हमेशा मेरा हमारे साथ रहता है ना। yes, sir. तो अब आता है हमारा राइट हैंड थंब रूल, यही हम सबसे ज्यादा यूज करने वाले। देखो राइट हैंड अपना, पड़ोसी का नहीं, अपना राइट हैंड होना चाहिए, पड़ोसी का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि राइट हैंड थंब रूल से हम देखेंगे कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। अभी हम देखेंगे, चलो पहले ऊपर वाला को देखते हैं, फर्स्ट वाला, एक मिनट में इनको मार्किंग कर देता हूँ, किसको फर्स्ट बोल रहा हूँ किसको सेकंड बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ फर्स्ट, इसको बोल रहा हूँ सेकंड। देखो आप, करंट ऊपर की तरफ है तो मुझे अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखना है, अंगूठा हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखना है मुझे। देखो हमेशा हम उसी चीज को पहले मानते हैं जो हमें पता हो, पहले हमें करंट ही तो पता है वायर में किसी में, करंट पता है तो मैंने करंट की डायरेक्शन में अंगूठे को रख दिया, और मैंने देखा जो उंगलियां हैं मैं उनको ऐसे ही घुमा सकता हूँ भाई, ऐसे नहीं घुमा सकता, उल्टा उल्टा तो नहीं घुमा सकता ना इस डायरेक्शन में, अंगूठे को ऊपर करके ऐसे ही घुमा सकता हूँ, ऐसे ही घुमा सकता हूँ, और कोई चारा नहीं है मेरे पास, ऐसे ही घुमा सकता हूँ। तो आप देखोगे कि ऐसे घूम रहा है मेरा हाथ ऐसे, यानी कि ऐसे करके कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा इस वायर के अबाउट, ऐसे कुछ मैग्नेटिक कैसे होगा ऐसे। देखो आप वन फिगर को देखोगे आप, ऐसे ही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, देखो फर्स्ट फिगर को देखो ऊपर है कि नहीं,
यस सर। सिमिलरली सेकंड के लिए भी देख लेते हैं। चलो सेकंड वाले में करंट किधर है? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो मैंने अंगूठे को नीचे किया, नीचे कर लिया। यस सर। यस सर। अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखना है। अंगूठे को मैंने नीचे कर दिया, अब घुमाओ जरा इसको। यस सर। अब देखो डायरेक्शन जरा। यस सर। ऐसे करके है कि नहीं? ऐसे 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 करके। यस सर। ऐसे करके है, ऐसे करके। तो आप देखोगे वहां पे ऊपर वाले टू फिगर में देखोगे डायरेक्शन ऐसे ही है। तो इजी कौन सा लगा आप लोगों को, फर्स्ट या सेकंड वाला? मैक्सवेल या राइट हैंड? सेकंड। सेकंड वाला। सेकंड वाला इजी भी, इजी लगना भी चाहिए। और हमें एक्चुअली में करना इसी से है ना। क्यों करना है कि स्क्रू ड्राइवर हमेशा साथ में लेके थोड़ी ना घूमेंगे। कितना इमेजिन करेंगे स्क्रू ऐसे होगा, ऐसे ऐसे टाइट कर रहे होंगे, ऐसे लूज कर रहे होंगे, भूल ही जाओगे। स्क्रू ड्राइवर साथ में हो तो आराम से डायरेक्शन देख लोगे। तो भाई कुछ ऐसा मेथड निकालो जिससे कि हम इजिली कर लें। तो हमने निकाला राइट हैंड थंब रूल। ये चचा बहुत अच्छे थे जिन्होंने भी राइट हैंड थंब रूल दिया, बचा दिए हमें। नहीं तो स्क्रू ड्राइवर जेब में रखे घूमना पड़ता। बच गए। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब आते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कैरिंग वायर। अच्छा एक बात बताओ, अभी तक जो हमने बायो सेवर्ट जो थे चचा ने क्या बताया था? एक छोटी सी डीएल लेंथ के वजह से एक पी पॉइंट, मान लो कोई वायर था उसकी छोटी सी डीएल लेंथ के कारण पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यही बताया था। Yes, sir. डीएल लेंथ का तो पता है। अब मान लो क्या ये आपकी लेंथ छोटी होती है क्या वायर्स की? Yes, sir. अरे वायर की लेंथ तो बहुत होती है ना बेटा। Yes, वायर की लेंथ तो ज्यादा होती है। तो अभी पहले क्या करते हैं हम, पहले हमें छोटी लेंथ का पता था तो हम कुछ फाइनाइट लेंथ के कोई वायर लेते हैं, उसकी वजह से अगर उसमें हम करंट फ्लो कराए तो किसी एक पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे अभी। तो जानते हैं, देखो जैसे कि ये कोई वायर है आपका स्ट्रेट वायर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन, और ये कोई पी पॉइंट है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना। तो मैंने क्या किया, एक डीएल वो लिया, डीएल को एक एलिमेंट माना। क्यों लिया डीएल? क्योंकि मुझे पता है कि मेरे चचा बता के गए हैं, बायो सेवर्ट चचा बता के गए हैं इस डीएल के कारण इस पी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो चचा बता के चले गए ना मैं, तो हम चचा का ही यूज करने वाले हैं, उसी बायो सेवर्ट लॉ का ही यूज करने वाले हैं। देखो जरा, माना कि ये पी पॉइंट आपके आर वेक्टर डिस्टेंस पे है, आर वेक्टर डिस्टेंस पे है, और इस पी पॉइंट की वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी ए है। याद रखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड रिक्वायर पॉइंट इज ए। अब मैंने क्या किया, इन दो एंड्स को, एंड को दोनों को मैंने किसी उससे मिला दिया, दोनों एंड्स को। अब देखो जब दोनों एंड्स मिलेंगे, जब ये वाला एंड मिला और ये वाला एंड मिला, तो क्या ये परपेंडिकुलर से कुछ एंगल बनाएंगे? अरे बनाएंगे ना। इससे एक एंगल बना, ये वाला आपका मान लो फाइव वन है और ये वाला आपका फाइव टू। एक चीज याद रखनी है, हमारे जो फाइव वन और फाइव टू जो मेजर किए जाएंगे वो इस एक्सिस से मेजर किए जाएंगे। एक इस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है तो एक इस डायरेक्शन में मेजर किया जा रहा है। आप अगर क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लोगे, इसको अगर पॉजिटिव लोगे तो आपको थीटा वन नेगेटिव लेना पड़ेगा, इतना याद रखना है। अब देखते हैं हम, यहाँ पर थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट देखते हैं कि देखो ये अगर 90 है तो मैंने माना कि ये आपका थीटा था, ये आपका थीटा था, और ये फाई है। जो हमारा डीएल वेक्टर था, डीएल वेक्टर था वो परपेंडिकुलर से फाई एंगल बना रहा। तो क्या मैं इस थीटा को ये लिख सकता हूँ कि ये मेरा एंगल 90 माइनस के फाई होगा? Yes, sir. क्योंकि आपका ये एंगल 90 है ना, ये 90, ये फाई, ये वाला फाई है, ये वाला फाई है, तो ये वाला 90 माइनस के फाई होगा। Yes, अच्छा sir. इस डीएल के कारण, इस डीएल लेंथ के कारण पी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये हमें हमारे बायो सेवर्ट चचा बता गए थे। Yes, बता गए थे ना। Yes, तो बता के चले गए बायो सेवर्ट से, म्यू 0.4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर, ये हमारे बायो सेवर्ट चचा बता गए। अब हम, हमें क्या पता है भाई यहाँ पर, हमें इस ट्रायंगल से देखो, मान लो ए बी
और सी मान लो, यहाँ पे बी पॉइंट है मान लो ये सी। आप ट्रायंगल एबीसी से देखो, साइन थीटा निकालने की कोशिश करो। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? ए होगा, और ए हाइपोटेन्यूज क्या है? आर। तो क्या होगा? ए अपॉन आर होगा कि नहीं? Yes, और सिमिलरली मैं कॉस फाई निकालू अगर, तो कॉस फाई यहां से कॉस फाई निकालूंगा तो क्या आएगा? बेस अपॉन देखो, इस फाई के लिए बेस आपका ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, तो आप देखोगे साइन थीटा की वैल्यू आपके कॉस फाई के इक्वल आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी है आपका, फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, सॉरी इसको ऐसे करते हैं, लिखते ऐसे हैं कि सी ए बी लिखेंगे इसको, जो 90 डिग्री का एंगल होता है ना उसको बीच में लेते हैं। अब देखो इसी ट्रायंगल से आर की मैंने वैल्यू निकाल ली, आर की वैल्यू क्या आई? ए अपॉन कॉस फाई। अरे भाई इससे यहां से मैंने ए की, आर की वैल्यू निकाली है, आर की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो ए के अपॉन में कॉस आ जाएगा? अरे आएगा कि नहीं? यस सर। अब सिमिलर आप रेस्पॉन्स, अगर मुझे ऐसा लगता है छोटी सी चीज मेरी समझ में नहीं आई क्या, अब यहीं से हम 10 की वैल्यू निकाले, 10 फाई की वैल्यू निकाले, तो 10 फाई क्या होता है? 10 क्या होता है पहले ये बता मुझे, 10 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो परपेंडिकुलर इस फाई के लिए परपेंडिकुलर क्या है? एल सर, एल है ना, और बेस क्या है आपका? ए। ए बेस क्या है? ए। तो हमारा क्या फॉर्मूला हो गया? L अपॉन A, tan phi इक्वल टू हो गया L अपॉन A हो गया। यस सर। अब देखो जब tan phi की वैल्यू मुझे पता चल गई तो मैंने यहां से निकाला L, L जब निकाला तो L की वैल्यू क्या आई? A tan phi। A tan phi। तो अच्छा अब यहां से हम इसको करेंगे डिफरेंशिएट। इसको क्या किया मैंने? डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किया मैंने, तो हमारा क्या आ गया यहां से? L का डिफरेंशिएशन हुआ dl, dl इक्वल टू a sec स्क्वायर फाई d फाई, a sec स्क्वायर फाई d फाई हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, a sec देखो tan थीटा, tan tan फाई का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन होता है आपका होता है sec फाई, sec स्क्वायर फाई, tan फाई का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर फाई हुआ, a आपका कांस्टेंट था, फाई का डिफरेंशिएशन हो गया d फाई। क्लियर है इतना? यस सर। कैसे आया हमारा? Yes, अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी वैल्यूज को साइन थीटा की जगह कॉस फाई, आर की जगह पे ए अपॉन कॉस फाई, और टेन थीटा यहां से डीएल की जगह पे ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई। अच्छा इसकी जगह पे वैल्यूज पुट करते हैं यहां पे, थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो यहां पे आएगा आपका डीबी इक्वल टू, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है। Yes, sir. और आई को भी इसके साथ ही लगा देते हैं, आई भी कांस्टेंट है मान लो इसमें। अब देखो डी एल की वैल्यू क्या है आपको? डी एल की वैल्यू ए सेक स्क्वायर फाई है, ए सेक स्क्वायर फाई, ए सेक स्क्वायर फाई डी एल की वैल्यू हो गई, और साइन थीटा की जगह क्या रखा है हमने? कॉस फाई इंटू कॉस फाई, इंटू कॉस फाई अपॉन, अपॉन में क्या आएगा? अपॉन में आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो क्या ए स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर फाई आएगा, होगा कि नहीं? अब आप देखो मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं करूं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए, अब देखो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन फाई ले लेते हैं, कॉस फाई इक्वल टू 1 अपॉन सेक फाई होगा? Yes, होता है कि नहीं? तो यहाँ yes, से देखोगे ये sec square phi, sec square phi into cos square phi into, तो देखो यहाँ से d phi रह गया, हमने d phi छोड़ दिया ना, d phi आएगा, a sec square phi d phi होता, यहाँ पे d phi और आएगा into cos phi d phi upon a square, ये आएगा कि नहीं आएगा? किसी को डाउट? देखो ये cos square phi ऊपर पहुंच गया, तो आप देखोगे अगर कहीं पे दिया हुआ है कि sec स्क्वायर फाई इंटू कॉस स्क्वायर फाई, तो क्या मैं sec स्क्वायर फाई को ऐसे ही रखूं? क्या मैं cos स्क्वायर फाई को 1 अपॉन sec स्क्वायर फाई लिख सकता हूं?
इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा क्या, वन आएगा। तो आपको देखोगे जरा कि ये cos स्क्वायर फाइव से sec स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया, और देखो a स्क्वायर यहाँ पे है, a स्क्वायर से ये आपका a कैंसिल हो गया, तो आपका बचेगा mu not i अपॉन 4 पाई, mu not अपॉन 4 पाई, mu not i अपॉन 4 पाई इनटू cos फाइव d फाइव अपॉन a, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, क्लियर है। तो आपका ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी, इसको हटा देता हूँ एक बार, ये वैल्यू आ गई आपकी। अब अच्छा देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड हुआ इस डीएल लेंथ के कारण, डीएल लेंथ क्या, मुझे अगर पूरे वायर के थ्रू निकालना है, अगर पूरे वायर के थ्रू निकालना है तो क्या मैं इसको इंट्रीगेट कर दूं? इंट्रीगेट कर दूं ना, अगर मैं इंट्रीगेट करूंगा तो लिमिट्स होंगी कुछ, देखो वायर की लेंथ मुझे पता नहीं है, तो क्या मैं इंट्रीगेशन में यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी बताया था, ये आपका 5-2 पॉजिटिव लेंगे और 5-1 नेगेटिव लेंगे, क्यों लेंगे? क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, हमने परपेंडिकुलर से जो परपेंडिकुलर लाइन कार्ड बनाई है ए लेंथ की उससे नापते हैं इसको। तो हम मैंने क्या किया, हम लोग अब क्या करेंगे कि माइनस के 5-1 से 5-2 आपका इंट्रीगेट करते हैं, ये जो एक्सप्रेशन है इसी इसी को हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। अब देखो जरा, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट दिखेंगी, ये सारी चीजें आपको कॉन्स्टेंट दिखेंगी, ये क्या है आपकी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट अगर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी, जब इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी तो साइन फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो सॉरी कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन फाई, साइन फाई। अब देखो साइन फाई, अच्छा लिमिट लिमिट पुट करना आती है क्या आपको? यस सर। जैसे है, तो हमने क्या किया, जैसे कि स्पेशली बता देता हूँ कॉस फाई का, कॉस फाई का बता देता हूँ, कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन जब आपने किया माइनस के 5-1 से 5-2 पे किया तो आपका आएगा साइन फाई, लिमिट आएंगी आपकी माइनस के 5 से प्लस के 5 या फिर 5-1 से 5-2। अब जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपका साइन फाइव टू माइनस साइन माइनस के फाइव, साइन में क्या होता है, साइन में जो एंगल की जो माइनस होता है ना वो आगे आ जाता है, तो आप देखोगे कि आपका आएगा साइन फाइव टू प्लस के साइन फाइव आएगा कि नहीं, यहाँ माइनस फाइव वन अपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। अब yes. जब आप क्वेश्चन करोगे ना, जब क्वेश्चन करोगे वहां पे माइनस नहीं लोगे क्योंकि हमने फॉर्मूले में माइनस ले लिया है, वहां पे माइनस नहीं लोगे, वहां पे अगर 5-2 का एंगल मान लो यहाँ पे आपका 60 डिग्री वैल्यू हो गई और ये वाली मान लो आपको 70 डिग्री हो गई, तो सिंपल आपको 60 डिग्री 5-1 की जगह 5-2 की जगह पुट करना है, 70 आपको 5-2 की जगह 5-1 की जगह पुट करना है, क्योंकि हमने फॉर्मूले में माइनस ले लिया है पहले। Yes, sir. समझ रहे हो, आपको जब न्यूमेरिकल yes, करोगे उस टाइम ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन करवाऊंगा जब मैं आपको तब ये ध्यान रखना है, सैटरडे को शायद मैं आपकी एक्स्ट्रा क्लास लूंगा मॉर्निंग में तब उसको करना। और देखो एक चीज और बताऊंगा आपको, एक्स्ट्रा क्लास मिस नहीं करनी, जिसकी एक्स्ट्रा क्लास मिस हो गई मतलब वो समझ लो नीट से उतना ही दूर जाता जा रहा है, वो नीट से दूर भग रहा है बच्चा, और अगर कुछ करना है ना बेटा, कुछ करना है तो अगर आपको डॉक्टर बनना है, आपका सपना है कि मैं भी, मेरे पास भी लोग लाइन लगा के आए, वो डॉक्टर साहब आए हैं, वो डॉक्टर साहब का टाइम क्या है बैठने का, इस हॉस्पिटल में जाते हैं वो 2-3 जाते हैं, वहां पे 4-5 बैठते हैं, ऐसे करके लाइन लगती है, जितने बड़े आप डॉक्टर बनोगे उतनी वैल्यू ज्यादा होगी आपकी, तो सोचो क्या वैल्यू उस टाइम को इमेजिन करके आप, वो टाइम अगर आपके सपने में रहेगा ना, दिन आंखें खुली करके वो सपना देखोगे ना, तब आप, मैं अगर 4 बजे भी क्लास लूंगा तो आप 4 बजे भी आ जाओगे, और उस दिन कुछ बच्चे आए थे लेकिन कुछ नहीं आए थे, कुछ नहीं भी आए थे, जैसे अभी आप, आपकी स्ट्रेंथ है 34, उस दिन आप में से 34 बच्चे नहीं आए थे, अदर बैचेस भी थे उसमें लेकिन आप 34 तो नहीं थे, ये मुझे पता है, ज्यादा से ज्यादा 15 बच्चे होंगे आप में से, 20 होंगे ज्यादा से ज्यादा, 20 से ज्यादा नहीं, वट अबाउट 14 बच्चे, क्या आप अदर बच्चे जो नहीं आए थे उस दिन मॉर्निंग क्लास में, क्या उनको डॉक्टर नहीं बनना, डॉक्टर तो सबको बनना है ना, Yes, sir. तो अगर आपको सबको डॉक्टर बनना है तो देख लो यार,
सारी चीजें आपके हाथ में, हम सिर्फ आपको पढ़ा सकते हैं, डॉक्टर नहीं बनवा सकते, पढ़ा सकते हैं, आपको एग्जाम दिलवा सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने के लिए आओगे तब तो इसकी इस चीज की गारंटी है कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर करोगे, डॉक्टर बनोगे बहुत अच्छी बात है, अपने माँ बाप का सबका नाम रोशन करोगे। तो अभी टॉपिक पे आते हैं, क्या अब ये क्लियर हुआ कि ये इसका इंट्रीगेशन ये कैसे आया? Yes, sir. तो अब हमें एक्सप्रेशन मिल गया, हमें एक्सप्रेशन मिल गया कि अगर हमारे पास कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है, अगर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है और उसमें अगर कोई एल लेंथ का वायर है, मान लो एल लेंथ का कोई वायर है और उसके एंगल बना के हमने किसी पॉइंट पे पूछा है, उसे एक लाइन जोड़ी, दोनों लाइनें जोड़ी और 5152 एंगल पता कर लिया, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लिया उस वायर की, तो हम पता कर सकते हैं उस वायर के कारण उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, पता कर सकते हैं ना आप तो? अच्छा अब एक बात बताओ, कुछ कंडीशंस देखते हैं इसमें, अगर ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग हो जाए तो क्या होगा? हमें पहुंचना तो इनफाइनाइट पे था ना एक्चुअली में। अरे एक बात बताओ, आपके घर पे कहां से लाइट आई है? एटलीस्ट ट्रांसफॉर्मर 5 किलोमीटर डिस्टेंस, नहीं नहीं ट्रांसफॉर्मर पे भी कहीं से आई है ना, जो सबस्टेशन होगा वो आपके घर से एटलीस्ट 5 किलोमीटर तो होगा ना। क्या आप 5 किलोमीटर लंबा वायर बनाओगे, 5 किलोमीटर लंबा वायर बना के और किसी एक पॉइंट पे लाइन बनाओगे, ऐसे करके लाइन बनाओगे, क्या फिर इस एंगल को पता कर पाओगे फिर आप ये 5152 5151 को? नहीं पता कर सकते ना, कैसे पता करोगे भाई, 5 किलोमीटर है ये, तो 5 किलोमीटर की बात है, लाइन तो आपकी 100 500 हजारों किलोमीटर में होती है, क्या हजारों किलोमीटर की लाइन को मैं इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मान सकता हूँ? यस सर। तो देखो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बनाना है तो मुझे एक बात, मान लो ये वायर यहां से मुझे अगर इस इनफाइनाइट लॉन्ग के वायर को कनेक्ट करना है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो वायर होगा इस लाइन से इनफाइनाइट पे जाके कनेक्ट होगा? यस सर। तो इससे इस पॉइंट से अगर इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाओ, मान लो ये आपकी ए है और ये लाइन, आप ये लाइन इस वायर के इस एंड से इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगी, हमें नहीं पता कहाँ जाके करेगी, हमें ये पता है इनफाइनाइट पे जाके मीट करेगी, तो क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? Yes, sir. क्या yes, आपका ये एंगल भी 90 डिग्री होगा? Yes, क्या yes, मेरा यही वाला एंगल 52 होता था? क्या यही वाला एंगल 51 होता था मेरा? Yes, sir. Yes, sir. तो हमने जुगाड़ लगाया, पहले हमने बायो सेवर्ट चचा ने बताया एक एलिमेंट के लिए, फिर हमने बायो सेवर्ट चचा का यूज करके छोटी सी लेंथ के वायर के लिए देखा, फिर हमने क्या किया यार छोटी सी लेंथ से काम चलेगा नहीं क्योंकि हमें तुम्हारे वायर छोटे छोटे थोड़ी ना होते, वो तो हजारों किलोमीटर की लाइन होती है, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? फिर हमने इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लिया, उस इनफाइनाइट लेंथ को देखा, इनफाइनाइट लेंथ के वायर को किसी पॉइंट पर कनेक्ट किया तो वो खुद जाके इनफाइनाइट पर कनेक्ट हो रहे हैं, इनफाइनाइट पर कनेक्ट हो रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन, दो पैरेलल लाइन ही इनफाइनाइट पर जाके कनेक्ट हो सकती है, तो हमने देखा कि 5152 आपका 90 डिग्री आ रहा है। अब देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? तो ये जो पीछे वाला फॉर्मूला है आपका, इसमें आप अगर पुट करो कि 5 इक्वल टू 52 इक्वल टू 90 डिग्री पुट करोगे तो क्या फॉर्मूला आएगा? बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 2 आएगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी, यस आएगा कि नहीं? यस सर। तो हम यही करने वाले हैं बेटा, यही करने वाले हैं, यही करने वाले, अगर 5152 की वैल्यू पुट करोगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगर ऐसा होता, कोई ऐसा वायर दे दिया जाता कि इस साइड की लेंथ जीरो इनफाइनाइट नहीं होती, इस साइड की लेंथ इनफाइनाइट नहीं होती, तो हम क्या करते, यहां से इस वाले एंड से इस पॉइंट को मिलाते, इस वाले एंड से मिलाते, तब हम देखते कि मान लो 51 की वैल्यू मेरी आ रही है 40 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू तो क्या हो जाता, v का वैल्यू हो जाता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई a इनटू i साइन 40 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में बहुत आएगा, एक एंड उसका पता होगा हमें कि यहां से स्टार्ट हो रहा है लेकिन अदर एंड नहीं पता होगा, जनरली यही प्रैक्टिकली केस है भाई। एक बात बताओ,
आप अपने मान लो आपके फीडर से कहीं से भी फीडर सबस्टेशन से आपके घर पर लाइट आई है, तो सबस्टेशन पे आप जब खड़े हो, मान लो ये कोई सबस्टेशन था, यहाँ पे आप खड़े हो, तो आपको एक एंड तो वायर का पता है ना? यस सर। भाई यहाँ से इस पेन के इस जगह से इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, तो आपको एक एंड पता है, कहां तक जा रही है ये नहीं पता, लेकिन आपको एक एंड पता है। इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल केस होता है कि आपको एक एंड तो पता होता है, अदर एंड नहीं पता होता। अदर एंड नहीं बता सकते कि आपके घर से आगे लाइन कहां तक जा रही है, उसी लाइन से क्या आपको पता है? नहीं पता है ना। और बस ये भी हो सकता है कि दोनों लाइन इनफिनाइट ना हो। हाँ हाँ ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, दोनों लाइन, मान लो ये वाला वायर भी आपका इनफिनाइट नहीं है। अरे अब जब देखो, अगर ये वाला ये तो पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट है एक्चुअली में, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे पता करना, ये लाइन नहीं है, ये मैंने इमेजिनरी बनाई है कि ये इनफाइनाइट पे जाके मिलेगी। जैसे ये लाइन इस पॉइंट पे मिल रही है ना, ऐसे ये वाली लाइन इनफाइनाइट पे इस लाइन से जाके मिलेगी, इसीलिए मैं उसको 90 डिग्री बोल रहा हूँ। दो लाइन के बारे में भी हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, दो लाइन के बीच में दो लाइन है बराबर में, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सारी चीजें पढ़ेंगे, डोंट वरी डोंट वरी, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो ये समझ में आया, क्लियर हुआ? वन एंड और टू एंड वाला, इसको हटा देता हूं एक बार। अब हम आते हैं, ये तो मैंने पहले बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, अब उसका ग्राफ भी देख लेते हैं जरा। देखो ये क्या है आपका, देखो म्यू कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट, और क्या आपका आई भी कांस्टेंट है, किसी वायर में अगर आई करंट फ्लो हो रहा है तो वो कांस्टेंट है ना? यस सर। फोर पाई भी कांस्टेंट है, तो यानी कि ये अगर वायर है उसके जो पर क्या ये डायरेक्ट जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए, क्या उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? इसके आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि जैसे जैसे हमारी ए बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी ए बढ़ रही है, क्या आपका बी कम हो रहा है? ए इस डायरेक्शन में बढ़ रही है तो देखो बी की वैल्यू कम हो रही है, ए जैसे जैसे कम हो रही है तो आपका बी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, है कि नहीं? क्लियर हुआ ग्राफ? अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती कैसे है। देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, देखो एक बात बताओ, ये ऊपर की तरफ जा रहा है करंट आपका, ऊपर की तरफ, अंगूठा ऊपर रखो, अंगूठा अंगूठा ऊपर रखो, अंगूठा मैंने ऊपर रखा, अब हाथ उंगलियों को देखो, उंगलियों को कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है कि नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ ऐसे होंगी, देखो वायर के चारों तरफ होती है, वायर के चार, अगर करंट आपका ऊपर जा रहा है, मान लो ये ऊपर जा रहा है, तो मेरा अंगूठा ऐसे है, ऐसे है, ऐसे इस वायर पर देख रहा है, तो ऐसे इस वायर पर ऐसे ऐसे होगी मैग्नेटिक, ऐसे yes, sir. ऐसे होंगी, तो आप देखोगे कि आपको ऐसे ही दिख रही है, देखो ये बन गई मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब सिमिलरली आपका नीचे की तरफ करंट हो, अगर तो ऐसे करंट है, तो मैंने मान लिया नीचे की तरफ करंट है, ऐसे मान लिया, तो मैंने देखा कि ऐसे ऐसे करके हैं, देखो ऐसे ऐसे इस पेन से ऐसे करके आ रही है, फिर पीछे जा रही है, फिर ऐसे आ रही है, आगे आ रही है, फिर पीछे, फिर आगे, अब देखोगे कि ऐसे ही है, देखो पीछे जा रही है, फिर आगे आ रही है, आगे से ऐसे जा रही है, पीछे जा रही है, ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक, क्या फील हुआ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का कुछ? यस सर। तो ये क्वेश्चंस तो बेटा हम कल ही करेंगे, वैसे कल करेंगे, उसकी एक्स्ट्रा क्लास में करेंगे इसको, अभी हम क्या करते हैं कि क्लास अभी चलेगी, क्लास एंड नहीं हो रही बेटा, जाना नहीं है, क्लास एंड नहीं हो रही, मैं सिर्फ आपके लिए टीएलपी चेंज कर रहा हूँ, बस टीएलपी चेंज कर रहा हूँ, जस्ट वेट, इसको यार सेव कर दूं बस, जस्ट वेट। वैसे आपका एक क्लास का टाइम तो हो भी चुका है ना, सवाल yes, कुछ भी है गेम स्टार्ट करते हैं, ये वाला टीम सेकंड वाला,
आपको बराबर फैलाने के लिए मैं ये मेहनत करनी पड़ रही है बस। अभी हम देखो, अभी तक हमने ये पढ़ा था, अब इसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है, हमने पढ़ा एक वायर के थ्रू। पहले देखो मैं पूरा हिस्ट्री बताता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने पता किया, तो पहले पता किया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी वायर में कैसे होता है, क्यों। उसके बाद में हमने देखा कि बायो सेवर्ट चचा आए, उन चचा ने बताया कि किसी एक एलिमेंटल पार्ट से, एक छोटे एलिमेंटल लेंथ से वायर की से कितना मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है किसी वायर। उसके बाद में हमारे एक और क्वेश्चन किया, मतलब डेरिवेशन किया, जिसमें हमने पता किया कि अगर कोई फाइनाइट लेंथ का वायर है उसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, और उसी फॉर्मूले को हमने एक्सटेंड करके इनफाइनाइट वायर में कन्वर्ट कर दिया। किया था कि नहीं? यस सर। अब हमने फाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर के बारे में तो देख लिया, अब हम देखने वाले हैं किसके लिए, सर्कुलर लूप। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप कैरिंग करंट, अगर किसी लूप में, लूप मतलब जैसे चूड़ी दिख रही है आपको, अगर इस वायर में ऐसे कुछ करंट फ्लो होने लग जाए, ऐसे ऐसे सो है ये, देखो ऐसे है। देखो हमें बायो सेवर्ट चचा ने किसके लिए बताया था फॉर्मूला, बायो सेवर्ट चचा बता के गए थे हमें कि हमें एक एलिमेंट के बारे में पता है, तो हम यहाँ पे बायो सेवर्ट चचा का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो मैंने माना यहाँ पे ऊपर की तरफ एक छोटा सा एलिमेंट लेंथ माना, एक नीचे की तरफ मान लिया एल लेंथ का छोटा सा एलिमेंट, एल लेंथ का एक ऊपर मान लिया, एल लेंथ का एक नीचे मान लिया, दोनों साइड पे एल लेंथ का मान लिया, तो मैंने उसका रेडियस ले लिया ए, इसमें करंट की डायरेक्शन ले ली, तो मुझे इस पी पॉइंट पे पता करना है इस सर्कुलर लूप के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड। अब देखते हैं, देखो ये ओ से पी की जो लेंथ थी मैंने माना कि एक्स है, परपेंडिकुलर लेंथ है, तो क्या यहां से ये जो वायर था, ये जो, ये देखो ये जो है ना, ये एक्चुअली में ये वाला जो ब्लैक पेन दिख रहा है, ब्लैक पेन और आर आपका ऐसे है, क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है? यस सर। दोनों के बीच में देखो लेंथ आपकी ऐसे है, देखो लेंथ आपकी ऐसे है, ऐसे करके ऐसे करके, और आर आपका ऐसे है, देखोगे तो ऐसे कंडीशन है इसकी, ऐसे करके। यस सर। पेन हर बार गिर जा रहा है, ऐसे करके कंडीशन है, देखो ऐसे करके लेंथ आपकी ये शो कर रहा है, आर आपका ये वेक्टर है, तो अब ये वाला एंगल देखोगे तो 90 डिग्री हो रहा है, तो ऐसे ये वाला, ये थोड़ा सा फील करने वाला है, थोड़ा सा आपको 3D में व्यू आना चाहिए कि रिंग आपकी ऐसे करके थी, रिंग आपकी ऐसे करके थी, यहाँ पे कोई डियर एलिमेंट था, और इस ये लेंथ आपकी ऐसे नापी मैंने, और उसका आर वेक्टर ऐसे है, आर वेक्टर ऐसे, तो आप देखोगे डीएल और आर के बीच में 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो देखो इसके कारण क्या मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो डीएल एंड आर के दोनों के परपेंडिकुलर होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मेरा डीवी होगा कि नहीं होगा? यस सर। वेक्टर देखा तो दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि मान इसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो आया है, मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस डायरेक्शन में है, तो क्या ये इस वाले आर से 90 डिग्री पे होना चाहिए, ये एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए? यस सर। होना चाहिए कि नहीं? अब जरा देखते हैं कैसे क्या सीन है। अगर मान लो ये आर आपका यहाँ पे फाई बना रहा है, फाई बना रहा है, तो क्या ये डीवी भी परपेंडिकुलर से फाई बनाएगा, तभी ना 90 डिग्री होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ एक बार, जैसे मान लो आपकी ये लाइन है कोई, ये मान लो ए वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर यहां से कोई 30 डिग्री पर है, ठीक है, अब इसके मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, फिक्स अगर मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है, तो मैंने मान लिया ये बी वेक्टर बनाया, जिसमें कि ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो क्या मैं ये, तो देखो क्या मैं ये देखूं कि ये अगर 90 है, ये अगर टोटल 90 है, तो क्या इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा,
क्योंकि क्योंकि ये वाला जो एंगल है ना ये 60 डिग्री होगा, ये वाला 30 होगा, तभी तो ए और बी के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो वही कंसेप्ट, यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लगा है, यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे लगा है कि ये जो अगर थीटा होगा हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो इसके वर्टिकल डीवी बना है उसका फाई एंगल होगा, फाई एंगल ये है तो फाई एंगल वर्टिकल से होगा। सिमिलरली इसके कारण इधर डीवी है, इधर डीवी है, तो क्या इस एलिमेंट के कारण भी नीचे डीवी होगा? एक और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये कंसेप्ट करवाया होगा सर ने, तो क्या हमारा डीवी जो है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कॉस कंपोनेंट होगा एक साइन कंपोनेंट होगा? Yes, sir. होगा ना, दो कंपोनेंट। अब हमने दोनों कंपोनेंट साइन कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, अब हम देख पा रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉस कंपोनेंट है डीबी कॉस फाई ऊपर है और डीबी कॉस फाई नीचे है, क्या ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे? Yes, sir. Yes, sir. तो हमारा हमारा जो फाइनल आने वाला है वो क्या होगा? आपका जो फाइनल बी आने वाला है, जो आपका डीबी आने वाला है फाइनल, क्या वो 2dB sin phi आएगा? भाई ये दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों ऐड हो जाएंगे ना ऐड, दोनों सेम डायरेक्शन में। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से मुझे एक बात बताओ, ये मान लो अगर x है और ये a है, तो ये r क्या होगा? क्या अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा? यस सर। होगा ना, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा ना आर। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस सर। यस सर। अब हम देखने वाले हैं कि ये तो वही है जो मैंने बताया ऊपर, ठीक है? अब हम देखने वाले हैं, हमने यूज किया बायो सेवर्ट चर्चा का कंसेप्ट। बायो सेवर्ट चर्चा कह के गए थे हमसे कि डीबी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा एक साइन थीटा एंगल, थीटा एंगल किस किसके बीच में था? थीटा एंगल था डी एल वेक्टर एंड आर के, इन दोनों के बीच का एंगल था कि नहीं था? Yes, sir. अब इस वाले केस में डी आर और डी एल के बीच में कितना एंगल है? डी एल और डी आर, आर वेक्टर के बीच में कितना का एंगल है? 90 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पे साइन 90 पुट करेंगे, तो हमारा क्या बचेगा? एट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री पर देखा तो म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई ये हमारा बचा। क्लियर है? अब हमने क्या किया, ये चर्चा हमें, ये हमें पता चल गया। तो पुराना कंसेप्ट, पुराना जो हम पहले पढ़ते थे कि अगर हमें एक एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया तो क्या हम इंट्रीगेट कर दें? तो हमने क्या किया, ये तो मैं जो मैंने पता किया है वो मैंने लिख के बता दिया कि कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट ऐसे ऐसे करके होंगे। तो अब हमने फाइनली किया कि डीबी साइन थीटा को हमने, डीबी साइन फाई को हमने इंटीग्रेट कर, डीबी साइन फाई, अरे देखो यहाँ पे जो था हमारा डीबी साइन फाई ही तो हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड, हो रहा था कि नहीं? क्योंकि साइन कंपोनेंट ही बच रहा था, कॉस कंपोनेंट तो उड़ जा रहा था। तो अभी हमने देखा db sin phi बच रहा है only, अभी अभी अब देखो यहां से db sin phi इसको जब वो करोगे इंटीग्रेट करोगे, इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो आप म्यू नॉट कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है, i कांस्टेंट है ना? यस सर। यस सर। dl sin phi, अब चल देखो dl sin phi आपका बच रहा है, तो देखो dl sin phi अगर आपका बच रहा है तो sin phi की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन फाई। पीछे से देखो जरा, पीछे से साइन फाई की वैल्यू बताता हूं आपको। साइन फाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फाई आपका ये है, ये वाला एंगल है ना फाई। फाई क्या होता है? फाई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। अब परपेंडिकुलर क्या है इसमें? ए है कि नहीं परपेंडिकुलर? यस सर। परपेंडिकुलर ए है अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या है हाइपोटेन्यूज? आर। हाइपोटेन्यूज आर है, आर का मतलब क्या है? अंडर रूट में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यस सर। क्लियर है साइन पाई की वैल्यू? यस सर। अब जरा देखो आप, अब जरा देखो आप कि आपका साइन फाई की वैल्यू मैंने पुट कर दी ए अपॉन एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट ही है ना? यस सर।
और आर की, आर की जो वैल्यू मैंने निकाली थी, आर की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इन अंडर रूट, तो देखो इस पर स्क्वायर है तो उसमें अंडर रूट हट गया। यस सर। और देखो आपको अगर याद हो तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या ये पेरीमीटर के इक्वल होता है? यस सर। देखो होता क्या है, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, मैंने इस रिंग पे, ये जो रिंग थी जिसके कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालना था, मैंने इस पे बहुत सारे डीएल लेंथ के एलिमेंट मान लिए, पीएल लेंथ के एलिमेंट मान लिए, अगर मैं सभी डीएल लेंथ के एलिमेंट्स को जोड़ूंगा तो क्या इसके पेरीमीटर के इक्वल लेंथ आएगी? यस सर। प्रैक्टिकली सोचो, मैं इस चूड़ी के 1000 टुकड़े करूं, पहले मैंने 1000 टुकड़े कर दिए, मतलब 1000 टुकड़े मैं जोड़ नहीं पाऊंगा, चलो 5 टुकड़े कर लिए, मैंने चूड़ी के 5 टुकड़े कर दिए, फिर उन 5 टुकड़ों को अगर जोड़ूं तो क्या मुझे इसके पेरीमीटर के इक्वल लेंथ मिलेगी? यस सर। यस, पेरीमीटर के इक्वल लेंथ मिलेगी। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ अ रिंग 2 पाई आर होता है। यस सर। 2 पाई आर होता है और मेरा यहां पे आर क्या है, ए है, तो ये किस लिए आया है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई ए। ये आपका ये आपकी वैल्यू आई थी इंटीग्रेशन डीएल के लिए, एक साइन फाई की वैल्यू आई ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 बाय 2 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आपका कांस्टेंट था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू आई। क्लियर हुआ इतना? यस सर। यस सर। अब ये हमारी बी की वैल्यू आ गई, ये हमारी बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू जैसे ही आई तो यहां से काट पीट करके हमारा बी की वैल्यू ये बची, ठीक है। अरे यहां से देखो यार, पाई से पाई, टू से टू, ए ऊपर बचेगा और ये देखो वन पावर ये है, वन बाई टू ये है, वन प्लस वन बाई टू कितना हो गया, थ्री बाई टू होगा कि नहीं होगा, वन प्लस वन बाई टू यार थ्री बाई टू होगा, तो ये पावर एड हो गई, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बच गया, बन गया। अब आप आगे देखो थोड़ा सा, और हमने पढ़ा क्या था भाई, ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसके लिए, अगर आपके किसी लेंथ पे एक रिंग के कारण किसी एक पॉइंट पे अगर आपका वो पूछा जाए, किसी एक पॉइंट पे एक रिंग के कारण मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाता है तो हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। अब इस फॉर्मूले से हम बहुत सारी चीजें निकालने वाले, जुगाड़ लगाने वाले हैं इसके लिए। क्या मैं यहां पे इस रिंग पे एक्स इक्वल टू जीरो कर दूं तो कहां पे पहुंच जाऊंगा? मैं अगर यहाँ पे x इक्वल टू जीरो कर दूं तो क्या मैं इस रिंग के सेंटर पे पहुंच जाऊंगा? Yes, sir. Yes. पहुंच जाऊंगा ना? Yes, sir. डाउट तो नहीं किसी को? No, sir. No, sir. अब देखो एक और फॉर्मूला बनने वाला है, इसी से जुगाड़ से एक और फॉर्मूला बनाने वाले हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ कि x इक्वल टू जीरो करने वाला हूँ तो मैं बोल दूंगा कि अगर किसी रिंग में ऐसे करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट की वजह से उसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैं पता कर लूंगा। अरे एक्स इक्वल टू जीरो करोगे, मान लो ये टर्म आपका जीरो हो गया, ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, तो जीरो कैसे हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर तो बचेगा, तो जीरो नहीं होगा। ये भूल नहीं करनी, कैलकुलेशन आंखें बंद करके मत करो बच्चो। अरे आप निकालना चाहते हो, ठीक है मैं निकलवाता हूँ, यही पे निकलवाता हूँ। अब फॉर्मूला बोलो जरा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पीछे वाला फॉर्मूला बोल दो, चीटिंग कर लो, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर और क्या है, 4 पाई ए स्क्वायर तो मेरा आएगा ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका बचेगा म्यू, म्यू नॉट है ये, म्यू आई नहीं, म्यू नॉट होता है, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2a q। अब देखो a स्क्वायर से क्या q कैंसिल हो जाएगा, यस सर, तो मेरा फॉर्मूला बचा म्यू नॉट आई अपॉन 2a, यस सर। ये फॉर्मूला कब काम आएगा, जब आपका
कोई रिंग है, कोई ऐसे रिंग है उसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट के कारण उसके सेंटर पे अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछ ले तो आप ये फॉर्मूला लगा। मैं इसका एक जुगाड़ भी बताऊंगा आपको, इसका जुगाड़ भी बताऊंगा, इसको हटा दूंगा मैं, ये तो आप कैलकुलेशन है, ये तो आप कर ही लोगे, ग्राफ बताने वाला हूँ। अच्छा एक इससे देखो जरा, क्या मैग्नेटिक फील्ड क्या ए के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यस सर, है इनवर्सली यस सर, प्रोपोर्शनल ना, यस सर, तो क्या हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा? यस सर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे ही बनेगा। अब आप देखोगे ये सिमिलरली, अगर आपका एक्स इक्वल टू, अगर आपका ए जो है ना रेडियस ऑफ द रिंग बहुत छोटा है एक्स के कंपेरिजन में, तो आप ए को निग्लेक्ट कर दो, उसकी जगह पे एक्स एक्स रखो, बस उसको सॉल्व करोगे सिंपली ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि जब आपका, अच्छा एक तो पता चल गया हमें रिंग के कारण, इस रिंग के कारण सेंटर पे, अगर मुझे अगर कभी दे दे कि मेरा कोई ऐसे करके सेमी सर्कुलर, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मान लो ये आपका आई करंट फ्लो हो रहा है, इससे आई करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इस पॉइंट पे मुझे बोल दे कि इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड उठाओ, तो कैसे करूंगा भाई मैं, तो कैसे करूंगा, कुछ कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मेरे को लगाना पड़ेगा ना। अब मैं देखूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेमी सर्किल, फुल सर्किल, क्वार्टर सर्किल, इन सब के लिए फॉर्मूला देखिए। देखो बच्चे बहुत कम हो गए बेटा, 23 लोग रहे बच्चे हैं बस, लोग भाग गए। यस सर, पढ़ना नहीं है क्या? यस सर, शायद मन ही नहीं होगा सर पढ़ने का, 21 नहीं है। ठीक है, जिनको पढ़ना है ना, डॉक्टर बनना है, वो तो रुकेंगे, जिनको नहीं बनना उनको कैसे रुक सकता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं हम बी एट द सेंटर ऑफ द लूप। अब देखो सेंटर ऑफ द लूप जब देखोगे, मान लो ये कोई लूप है, लूप है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने उसको डीएल लेंथ मानी, कोई भी एक डीएल लेंथ मान ली, डीएल लेंथ जैसे ही मानी तो आप देखोगे उसका 90 डिग्री एंगल है भाई, एल लेंथ ऐसे है, रेडियस ऐसे, 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ इसके कारण उसी बायो सेवर्ट लॉ का ही फॉर्मूला अगर यूज करो, बायो सेवर्ट लॉ का फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो सिंपली आप एंगल 90 डिग्री है तो साइन थीटा की अगर साइन 90 किया आपको म्यू नॉट आईडीएल अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो गया। यस सर, अब आप सिंपली क्या करोगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट करो, सिंपली इसको इंटीग्रेट करोगे तो सारे डीएल के कारण बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वही जो हमने अभी कैलकुलेट किया था म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए, ये आया आपका सर्किल के कारण। अच्छा अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यूनिटरी मेथड, अगर पूरे सर्किल का, अच्छा सर्किल के लिए एंगल क्या होता है, अच्छा ये भी तो लिखा हुआ है मैंने, हाँ लिखा हुआ है आपके लिए, लिखा हुआ है सब कुछ। इसके लिए जरा ग्राफ देख लेते हैं सर्किल के लिए, देखो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड क्या आपके रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे ए बढ़ेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। यस सर, क्लियर है सर। अब आप देखोगे, अब सेमी सर्किल के लिए देखो अगर तो, अच्छा एक बात बताओ, सर्किल का सेमी सर्किल कितना होता है? हाफ होता है ना। यस सर, पूरा सर्किल ये है, इसका अगर आधा कर दूं तो हाफ सेमी सर्किल बोलूंगा उसको, तो अगर आपका सेमी सर्किल हाफ होता है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड भी हाफ हो जाएगा? यस। क्वार्टर सर्किल में क्या होगा? क्वार्टर सर्किल में क्या होगा? 1/4 हो जाएगा, जो इनिशियली था उसका 1/4 हो जाएगा। इनिशियली सर्किल के लिए क्या था? सर्किल के लिए बी होता है आपका म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए। अगर सेमी सर्किल लूंगा अगर तो उसका आधा, इसका आधा क्या करूंगा, 1/4 हो जाएगा नीचे। और इसका क्वार्टर करूंगा मतलब 1/4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 1/8 हो जाएगा। और भाई अरब अगर मुझे किसी ने दे दिया कि ये कोई आर्क है थीटा एंगल का, ये कोई थीटा एंगल का आर्क है, इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है, इसके कारण इस वाले पी पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा? भाई मुझे सर्किल का पता है, सेमी सर्किल का पता है, क्वार्टर सर्किल का पता है, थीटा एंगल वाले का कैसे पता है? तो थीटा एंगल वाले के लिए ये फॉर्मूला आया आपका बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ए। अगर ये फॉर्मूला याद है तो आपके लिए कोई भी आर्क आ जाए तो सबके लिए आप क्लियर। अब इसको देखो जरा, इस वाले फॉर्मूले पे एक्सपेरिमेंट करके इन सभी फॉर्मूलों को ड्राइव करते हैं, सर्किल के लिए, सेमी सर्किल के लिए और क्वार्टर सर्किल के लिए। देखो जरा, देखो अगर, अब अगर मान लो आपका सर्किल है तो
थीटा इक्वल टू क्या होगा, क्या टू पाई होगा थीटा के लिए, थीटा इक्वल टू फॉर सर्किल 360 डिग्री होता है ना, पूरा 360 मतलब 2 पाई, अब थीटा की जगह 2 पाई पुट करो इसमें, म्यू नॉट आई थीटा अपॉन 2 पाई ए मैन, 2 पाई पुट करो, 2 पाई पुट किया तो हमारा देखो यहाँ पर सर्किल का फॉर्मूला आ गया, मजा आ गया भाई। सिमिलरली हमें सेमी सर्किल के लिए थीटा इक्वल टू पाई पुट किया, पाई पुट किया तो देखो हमारा सेमी सर्किल का फॉर्मूला आ गया, इसका आधा है ये। सिमिलरली हमने क्वार्टर सर्किल के लिए थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पुट किया तो मेरा आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 8a 1/4a4। क्लियर है सब कुछ, क्लियर है यहाँ तक सब कुछ है। अब आप लोगों का चलो अभी आप जा सकते हो क्योंकि न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, अच्छा एक साथ लोग आ भी गए हैं तो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जरा आप एक बार कर दो, वैसे आपके सॉल्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, मैं करवा देता हूँ। एक कंसेप्ट और होता है कि जो अभी मैंने बताया था, अगर कोई वायर है, चलो मैं ही बता देता हूँ कि अगर कोई वायर है मान, तो उसके अगर अलोंग कोई पॉइंट आता है, मान लो इस वायर से कोई आई करंट जा रहा है और मैंने इस पूछा पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, क्या होगा कोई बताएगा मुझे, जीरो होगा क्या? इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या होगा, जीरो होगा। क्यों होगा बताता हूं मैं, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, मैग्नेटिक फील्ड का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। अच्छा एक बात बताओ, इसके दोनों एंड से, दोनों एंड को अगर मैं इस पॉइंट से मिलाऊं, दोनों एंड को अगर इस पॉइंट से मिलाऊं मैं, मान लो ये मैंने एक एंड मिला दिया और ऐसे इसी लाइन पे मैं इसी लाइन पे ऐसे करके दूसरा एंड भी इसी पॉइंट से मिल गया, तो इनके बीच में एंगल क्या हुआ, क्या आपका फाइव वन इक्वल टू फाइव टू इक्वल टू जीरो बोलू या 180 बोलू, बात एक ही है, होगा जीरो। यहाँ पे जब जीरो पुट करो म्यू जीरो अपॉन फोर पाई इंटू आई अपॉन ए साइन जीरो प्लस साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसीलिए अगर कोई पॉइंट मैग्नेटिक वायर के अलोंग आ जाता है, अलोंग दूर नहीं अलोंग आ जाता है, तो उसका उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो। अब देखते हैं, अब देखो ये जो आपको दिख रहा है, ये जो वायर आपको दिख रहा है, ये जो वायर आपको दिख रहा है यहाँ से, ये इनफाइनाइट वायर है, इसके अलोंग देखो ये आर जो सी पॉइंट है इसके अलोंग आ रहा है और इस वायर के भी अलोंग आ रहा है, मान लो इसको वन मान लो, इसको टू मान लो, इसको थ्री मान लो, क्या मेरा बी वन इक्वल टू बी थ्री टू इसको थ्री बी थ्री इक्वल टू जीरो होगा, yes, sir. है? एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी यानी कि सी पॉइंट पे बी वन और बी थ्री के कारण मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो सिंपली हमारा बी एट पॉइंट सी हो जाएगा नेट, नेट हो जाएगा बी ड्यू टू टू वायर, तो बी टू क्या होगा, सेमी सर्किल के लिए अभी फॉर्मूला पढ़े हैं म्यू नॉट आई अपॉन फोर आर, पढ़े हैं सिंपल ये वाला फॉर्मूला, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर है। Yes, sir. तो अभी yes, आपको इतना ही था, ये होमवर्क में दो क्वेश्चन और दे दूंगा मैं आपको, yes, sir. ये होमवर्क के क्वेश्चन करने हैं आपको, और कल कल सैटरडे को, सैटरडे को मिलते हैं हम क्लास में और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे अपन लोग। यस सर, ठीक है, यस सर। टाइमिंग सेम ही रहेगी, टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा, आप जहां तक है तो सेम ही रहेगी ज्यादातर, तो और मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, यू वेलकम एवरीवन, वेलकम, थैंक यू सर, बाय सर, बाय बाय, वेलकम, बाय बाय बाय। सब कल सुबह की क्लास नहीं, कल नहीं होगी बेटा, परसों होगी शायद।